ये बहुत ही लाजमी होता है। पंजाब सिंध गुजरात उत्तर बंगाल यमुना गंगा तो जो हर टाइम हर वक्तन ये बहुत ही लाजमी होता है रेडियो के लिए। अगर वो टैलेंट को देखा जाता है खिलाड़ी की जब तक गेट चलेगी। सबसे पहले तो देश के उन शहीदों को नमन के जिन्होंने इस देश की खातर अपने जाने कुर्बान की हैं, और कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती है जब वो अपने शहीदों को याद न करे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे यूथ एक्शन कमेटी की तरफ से यहाँ पर लिया गया था, और यहाँ की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको कोऑपरेट किया है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी थी वो की गई हैं, और गाँव के नौजवान जो आज ड्रग्स की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ रहा है, और बदकिस्मती से हमारा भद्रवाह जो है उसमें भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं। तो नौजवानों को उससे बाहर निकालने के लिए इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता है कि लोग उन चीज़ों से, मोबाइल से बाहर आकर, उन दूसरी बिद्दतों से बाहर आकर एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें वो अपनी लाइफ, अपनी जो है फिजिकल फिटनेस को भी बढ़ा सकते हैं, और एक प्रैक्टिकली लाइफ को आगे चलाने के लिए खेल जो है वो एक बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर आज शुरुआत हुई है। बहुत सारे गाँव के नौजवान बच्चे, शहर के बच्चे, डोडा के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, और बड़ा डिसिप्लिन मैनर में ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे ही प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जबकि यहाँ पर आज ठंड का आलम है, लोग काफ़ी सारे यहाँ से जो है जम्मू की तरफ चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारी दुनिया जो है यहाँ पर रह रही है उनको भी कहीं ना कहीं एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत आज मौसम है, बड़ा अच्छा यहाँ पर क्लाइमेट है। सुबह शाम ठंड होने के बावजूद भी बड़ा अच्छा यहाँ पे मौसम है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलती रहे, उसमें सब लोग जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, चाहे मीडिया है, चाहे दूसरे भी जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारा पुलिस है, जैसे आर्मी है, जैसे और यहाँ की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोग जो है इसमें कोऑपरेट करें, सब लोग अपना ताउन दें, और नौजवानों का ऐसे जैसे जो ऐसी ऐसी गेमें खेलते हैं उनको जो है कोई ना कोई इस किस्म का इंसेंटिव्स, कोई ना कोई ऐसी मदद दी जाए ताकि और भी नौजवान जो है इसमें रुचि लें और आगे जो है बढ़ें। थैंक यू। आज जो हम यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग करवाने जा रहे हैं, एनजीओ एक्शन कमेटी कोलैबोरेशन इंडियन आर्मी, भद्रवाह पुलिस, भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से हम करवाने जा रहे हैं, और हमारा मकसद है कि जिन नौजवानों ने, जिन सोल्जरों ने, जिन पुलिस के नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपनी जानें दी इस देश के लिए, इस वतन के लिए, उनको एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, खराज तहसीन उनको पेश करना चाहते हैं, ताकि वो ये उनकी फैमिली ये ना समझे कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। आज भी हमारे दिलों में वो जिंदा है, उसी को लेके आज हम उनको एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश के नौजवानों को, देश के लोगों को, कि उनको भूले नहीं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ खुली सांस ले रहे हैं, इस इज्जत के साथ इस देश में चल रहे हैं। हमारी माँ, बहनें, बच्चियाँ आज अपने घरों में रात के 10 बजे भी, 11 बजे भी बिना किसी फिक्र के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने जानों का नजराना हमारे लिए पेश किया है। और नौजवान को हम अवेयर करना चाहते हैं कि आज आपको ये खेल कूद के लिए मिल रहा है जो, तो उन्हीं की वजह से है, और एक नौजवान में हम ये जज्बा जिंदा कराना चाहते हैं कि देखिए इन नौजवानों ने अपनी जानें दी हैं, तब जाके हम आज खुली सांस ले रहे हैं। और एक नौजवान को ये चाहिए कि वो इन खेलों में हिस्सा ले, ताकि वो फिजिकली भी फिट रहें, मेंटली भी फिट रहें, अपनी जगह का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत, हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेवलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।